अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राबिया हसन और ईपीके में आज हम कुछ मीडिया रिलेटेड ऐसे इश्यूज को डिस्कस करेंगे विच हैव बीन सर्कुलेटिंग ऑन द सोशल मीडिया फॉर अ वाइल और जिनका ताल्लुक जो है वो डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ है, प्रोडक्शन हाउसेज के साथ है और हमारे आर्टिस्टों के बारे में भी है। हम जब भी किसी एकेडमिक या फॉर्मल प्लेटफॉर्म पर अपने आर्टिस्टों की बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि वो हमारे मुल्क का असासा है, हमारे मुल्क का सरमाया है, लेकिन जब मॉरल ग्राउंड्स पर उनकी बात की जाती है तो उनको वो मकाम नहीं दिया जाता जिसके वो असल में हकदार होते हैं। एंड ऑफकोर्स कि वो हमारे अंदर वो प्रोफेशनल एथिक्स भी नहीं है जो कि हम फॉरेन मीडिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स की अगर हम बात करें तो आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ ज़रूर हमें सुनने को मिलती है जिससे एक इंप्रेशन ये क्रिएट होता है कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई ना कोई ज्यादती हो रही है, वेदर इट्स रिलेटेड टू टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, हरासमेंट। और अभी रिसेंटली जो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट खुल के सामने आया है वो है वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स रिलेटेड टू पेमेंट्स। ये बात कोई नई नहीं है, अगर हम 10 साल पीछे भी जाएं तो बहुत से ऐसे क्रिएटिव लोग हैं जो कि इसी इशू की वजह से हिट और सक्सेसफुल ड्रामा देने के बावजूद भी टीवी इंडस्ट्री को खैरबाद कहने पर मजबूर हो गए। अब हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुई है सोशल मीडिया पर जिसमें सलमा जफर साहिबा ने प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस पे एलिगेशन लगाई रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ अ ड्यूज। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, अल्लाह को गवाह, अगर मैं इसमें से एक लफ्ज झूठ बोलूं तो इस झूठ का अजाब मुझ पर, मेरी औलाद पर पड़े। बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, हादिये के जो छोटे छोटे ENG के बच्चे जिनकी 7,500-8,000 रुपए सैलरी थी उनकी सैलरीज तक खा गया। मैं तो गुड फेथ में मारी गई कि मैं अगर इनकी गर्दन के ऊपर पांव रख के उसी वक्त अपने पैसे निकलवा लेती तो मेरे पैसे इकट्ठे नहीं होते। नियर अबाउट 1 करोड़ रुपया है इनके ऊपर मेरा। पहली दफा ऐसा हुआ कि एक सीनियर आर्टिस्ट ने बगैर किसी खौफ और डर के एक ऐसे मसले को हाईलाइट किया जिसे जानते तो सब थे लेकिन कहने से घबराते थे। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए कुछ और भी आर्टिस्ट ऐसे सामने आए जो कि विक्टिम थे और उनके साथ भी वो भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस फेस कर रहे थे, जिनमें से एक नाम शायरी शाका भी है। इनकी वीडियोज़ जो हैं वो कुछ अरसे तक सोशल मीडिया पर चलती भी रही हैं। जब मैंने सलमा जफर का ये वीडियो देखा तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना बात की जाए और करके इस मसले को सॉल्व किया जाए। मुझे पता चला कि जियो से इनको पेमेंट्स आ रही हैं और ये एक अच्छा मौका है कि अगर जियो से इनको पेमेंट्स आ रही हैं और यही इशू था कि इनको पेमेंट्स नहीं मिल रही थी जिसकी बुनियाद पे ये एक्टर्स को पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो अब तो इनका मसला सॉल्व हो रहा है। तो मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट है, फिर से कहूँगी 90 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। जब इनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिली तो इवेंचुअली सलमा जफर साहिबा हैड टू रिजॉर्ट टू लीगल जस्टिस, यानी अपनी ही मेहनत की कमाई हासिल करने के लिए उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा। EPK के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंडेम दिस होल सिनेरियो, बिकॉज जब एक आर्टिस्ट को इस तरह की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी में रखा जाता है तो वो शदीद मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, यानी कि अपने काम के साथ साथ उसे इस बात की भी फिक्र करनी पड़ती है कि उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अगर आप इंटरनेट पर अगर आप सर्च करें मीडिया फेलिंग टू पे सैलरीज तो आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जिनमें से एक पढ़ने के बाद आई केम अक्रॉस दिस टर्म विच इज़ कॉल्ड डेथ बाई स्ट्रेस, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रेस और एंगजाइटी जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। एंड एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्न, एक जर्नलिस्ट इसी तरह से ही डाइड ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट अटैक बिकॉज ही वॉज नॉट पेड फॉर 7 मंथ्स। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड इस फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर हम बात करें तो एक्टर्स ब्लेम करते हैं प्रोडक्शन हाउसेज को, प्रोडक्शन हाउसेज ब्लेम करते हैं चैनल वालों को और चैनल वाले ब्लेम करते हैं स्पॉन्सर्स को, लेकिन एक आम आदमी ज़रूर ये सवाल करता है कि जो एक्टर्स हैं वो इतने इतने साल तक बगैर पेमेंट के कैसे काम कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा किसी और फील्ड में नहीं होता। 4-4, 5-5 साल एड़ियां रगड़ता है अपने एक प्रोडक्ट का पैसा निकलवाने के लिए, और जिस प्रोड्यूसर ने किसी ब्रॉडकास्टर से 4-5-6-7-8-10 करोड़ रुपया लेना है अपने प्रोडक्ट्स का, वो उसके दफ्तर में जाके यूं हाथ जोड़ के ना उसके घुटने पकड़ा था कि अल्लाह का वास्ते मेरे पैसे दे दो। ये तो हाल है यहाँ के प्रोफेशनलिज्म का। वो चैनल की भी पिछले दिनों जो बेचारों की मजबूरियां हुई हैं वो भी बहुत सारी चीजों से गुजरे हैं। सारे चैनल तकरीबन वो बेचारे कट डाउन किए जा रहे हैं। जिस मुझे याद है यार वो टाइम के मतलब दुबई में शोज हो रहे हैं, UK में शोज हो रहे हैं, क्या शो क्या है कुछ भी नहीं, ऐवे ही जा रहे हैं, रिटर्न आ रहा था, पैसे आ रहे थे, सब रुक गया। और फिर भाई सीधी सी बात है यार, आपने इतनी सी कर ली अपनी इंडस्ट्री और चैनल्स इतने सारे खुल गए, वही 100 रुपए थे वो किस किस में बढ़ते यार। तो इसका सिलसिला कुछ यूं है
कि जो नए आने वाले हैं राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं, वो अपने टैलेंट को शोकेस कराने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, एक ब्रेक के लिए वो इस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन का है जो वो शिकार हो जाते हैं, जिसमें वो बग़ैर पैसों के काम करने पर भी राज़ी हो जाते हैं। और जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो मल्टीपल प्रोडक्शंस में इंगेज हो जाते हैं क्योंकि उनकी डिमांड भी होती है, तो उनको ये होता है कि अगर एक टीवी चैनल से उनको पेमेंट का इशू है तो एटलीस्ट दे हैव अनदर सोर्स जहाँ से वो अपना गुजर बसर कर सकें। हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत छोटी सी है, 3-4 बड़े चैनल्स हैं हमारे और इनके साथ 4-5 ही प्रोडक्शन इन हाउस प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अटैच हैं इनके साथ, एंड दे आर वर्किंग फॉर देम। तो एक तरफ जहाँ पे हमें अपेरेंटली ऐसा लगता है कि मीडिया बिजनेस जो है वो बहुत बूम पे है, बहुत फ्लरिश कर रहा है, जहाँ पे वी गेट टू सी मोर चैनल्स एंड वी गेट टू सी मोर प्रोडक्शन हाउसेज, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही वीक किस्म का एक पेमेंट स्ट्रक्चर भी मौजूद है जिसमें 3 महीने की पेमेंट, 3 महीने के अंदर पेमेंट का वादा तो किया जाता है लेकिन देर आर एक्चुअली वेरी फ्यू हु फुलफिल दिस कमिटमेंट। सो बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे भी हैं हु डू बिलीव इन टाइमली पेमेंट्स और वो अपने एक्टर्स को टाइम पे भी करते हैं, लेकिन वो बेचारे चैनल्स के हाथों मारे जाते हैं बिकॉज चैनल्स उनको टाइम पे नहीं करते और इवेंचुअली जो है उनको बेचारों को अपना जो एक बिजनेस है वो बंद भी करना पड़ता है। सो वी कैन से इवन सम प्रोडक्शन हाउसेज आर ऑल्सो सफरिंग। सो अब बात आ जाती है चैनल्स पे हु सीम टू बी यू नो directly responsible for incompetent and unfair dealing when it comes to financial matters. और इसमें एक और जो बात काबिल ज़िक्र है वो ये है कि यहाँ पे जो है फेवरेटिज़म का बहुत एक रिवाज देखने में आया, जिस तरह इंडिया में हम नेपोटिज़म की बात करते हैं तो यहाँ पे फेवरेटिज़म बहुत कॉमन है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत कॉमन है। जो एक्टर या जो राइटर या जो डायरेक्टर ज़्यादा करीब है चैनल के, जिसके साथ उनकी एफिलिएशन है, जो ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, उसके साथ जो फाइनेंशियल डीलिंग है वो बिल्कुल फ़र्क होती है और उन्हीं को फिर ये अवार्ड्स भी दे रहे होते हैं। सो जो एक दूसरा आर्टिस्ट है या एक जूनियर आर्टिस्ट है उसके साथ ट्रीटमेंट बिल्कुल फ़र्क की जाती है। सो एक ये भी बहुत एक कॉमन चीज़ है जो कि देखने में आई। चैनल्स वालों से जब बात की जाए इस बारे में तो उनकी बड़ी एक फेवरेट लाइन है कि हालात ठीक नहीं है, और आजकल तो वैसे भी कोविड के टाइम में इट्स अ वेरी जेन्युइन एक्सक्यूज़ जो कि वो देते हैं। इसके अलावा ये कि हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाते हैं और स्पॉन्सर्स को ब्लेम किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो चैनल ओनर्स हैं वो फॉरेन ट्रिप्स पे भी जाते हैं और वो नई नई गाड़ियाँ भी महंगी महंगी लेते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो अपनी लग्जरी पे और अपनी ज़ात पे वो दिल खोल के खर्च भी करते हैं। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हालात ठीक नहीं है तो वो उनका ये सारा जो सिलसिला है वो किस तरह से चलता है। दूसरी तरफ अगर हम स्पॉन्सर्स की बात करें तो वो भी कुछ इसी किस्म की बात कहते हुए पाए जाते हैं कि काम नहीं मिलता है, हालात ठीक नहीं हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो इंडियन एक्टर्स को लेके और टर्किश एक्टर्स को लेके एड्स भी बनाए जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब इस तरह के महंगे महंगे एड्स बनते हैं तो चैनल्स को पेमेंट ना हो रही हो? इट्स नॉट पॉसिबल। ये छोटा सा जो मैंने आपको एक सिनॉप्सिस पेश किया है सारे फाइनेंशियल क्योस का, अगर इसमें देखा जाए तो तकरीबन इसमें सभी रिस्पॉन्सिबल नज़र आते हैं, जिनमें हमारे पुराने एक्टर्स, टीवी चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को ठीक करने की बजाय उल्टा इसको एक ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिस बना दिया जो कि अभी तक चली आ रही है। हमारे मुल्क में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन तो है, बट वाई हैज़ इट ऑलवेज बीन सो साइलेंट एंड हेल्पलेस इन रिजॉल्विंग दीज इशूज़ इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल। करंटली जबकि हमारी अपनी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो शदीद अनएथिकल प्रोफेशनल बिहेवियर का शिकार है, इस सारे सिनेरियो के अंदर Z5 जो कि एक इंडियन वेब चैनल है, उन्होंने पाकिस्तानी टैलेंट को हायर किया और एक कमीशन प्रोजेक्ट बनवाया, और अब वो उस प्लेटफॉर्म की जो है मार्केटिंग वो कर रहे हैं इन पाकिस्तान थ्रू सर्टन टेलीकॉम कंपनीज़। नॉट दैट वी आर अगेंस्ट इट, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान में इंडियन कॉन्टेंट ऑलरेडी बैन है, रेडियो पे उनका गाना नहीं चलता, सिनेमा में हम उनकी फ़िल्म नहीं देख सकते। तो एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस तरह की प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने से क्या लॉ की वायलेशन नहीं हो रही? आर वी नॉट अवेयर ऑफ इट? आर वी जस्ट इग्नोरिंग इट? और इज़ इट जस्ट अनदर लेट बैक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दैट वी आर ट्राइंग टू डिस्प्ले? आई पर्सनली बिलीव कि हम लोगों ने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा। एक वो वक्त था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री का बोलबाला था, यहाँ पर लातादाद सिनेमाज भी थे, हर तरफ शूट चल रही होती थी, और इसी तरह से जो टीवी चैनल्स हैं उनमें PTV के जो है बहुत ही ज़बरदस्त हमें ड्रामास देखने को भी मिले, लेकिन इसी अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी तबाह हुई और लाहौर से जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। अगर यही सिलसिला चलता रहा जो कि चल रहा है तो वो दिन दूर नहीं कि जब कराची से भी जो है वो एंटरटेनमेंट का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और चैनल्स जो हैं वो सिर्फ न्यूज़ या स्पोर्ट्स की हद तक ही रह जाएंगे।
एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे ज़रूर, लेकिन शायद वो किसी फॉरेन प्लेटफॉर्म से हुआ करेंगे, और हो सकता है कि उन लोगों की प्रोफेशनल जो उनकी बिहेवियर्स हैं और उनके जो एथिक्स हैं, शायद हमारे लोग भी उनसे कुछ ऐसा सीख सकें और उनके अंदर भी ऐसा एहसास पैदा हो सके जो कि हमारी मीडिया या ड्रामा इंडस्ट्री को डूबने से बचा सके।